हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे भरवा करेले। देखिए, मैंने यहाँ करेले लिए हैं, अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से कट कर रही हूँ, बीच में से चीरा लगा के दो पीस में कट कर लिया। लंबे करेले हैं तो इतना लंबा तो कोई खाता नहीं है, तो ऐसे कट कर लिया। सारे करेले ऐसे ही कट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने सारे करेले कट कर लिए हैं। अब मैं इनमें नमक लगाकर आधा घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे इसका कड़वापन कम हो जाए। हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। देखिए, यहाँ पे मैंने करेले को धोकर साफ करके कट कर लिया है। इसे मैंने आधा घंटे पहले नमक लगा के रख दिया था, बीच में से चीरा लगा के। बड़े बड़े करेले थे, इसके लिए मैंने दो पीस कर लिए हैं इनके। और फिर इन्हें अब हम सबसे पहले अब हम इन्हें तलेंगे। हमने अच्छे से साफ कर लिया, नमक वगैरह सब धो लिया इनका अच्छे से। अब मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया, सरसों का तेल। अब हम इसके अंदर से फ्राई करेंगे। हमारे केले करेले फ्राई हो रहे हैं। इसमें फ्राई होते हैं, हम सूखा मसाला जो हम इसमें भरेंगे वो तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने सूखा धनिया लिया है, 3 से 4 चम्मच सूखा धनिया। इसमें 1 चम्मच सौंफ और हल्दी, आधी चम्मच मिर्च टेस्ट के अनुसार और नमक टेस्ट के अनुसार। इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर जब हमारे करेले ठंडे हो जाएंगे, हम उसके अंदर इसको फिल कर देंगे। अब हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं, उन्हें ठंडा हो चुके हैं। 15 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने करेले बाहर निकाल लिए हैं। अब हमने इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल दिया सरसों का। अब हम इसमें बेसन भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। हमने इसे 2 चम्मच बेसन डाल दिया। अब इसे चलाते हुए भूनेंगे लगातार। देखिए, इसके झाग बनने बंद हो गए हैं, इसका मतलब बेसन भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये सूखे मसाले जो हमने लिए थे, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर बेसन के साथ। इसे 1 मिनट तक चला देंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। हमारी गैस बंद है इस टाइम। अब हम इसे ठंडा करेंगे चलाते हुए, 2 मिनट तक इसे घुमाएंगे। फिर जब तक बिल्कुल पूरा ठंडा नहीं हो जाता, तब इसको भरेंगे करेले के अंदर हाथों से। अब ये बहुत गर्म है मसाला, 10 मिनट लग जाएंगे इसे ठंडा होने में, 5 से 10 मिनट।
पंखे के नीचे रखी थी, जल्दी ठंडा हो जाएगा। करेले के अंदर भरने के लिए हमारा मसाला तैयार है, हम इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर। देखिए हमारा ये मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसे करेले में फिल करेंगे। देखिए करेला ऐसे खोला, इसके अंदर मसाला फिल किया, अच्छे से फैला देंगे और इसको भर देंगे ऐसे। दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे, ऐसे ही सारे करेले फिल कर लेंगे। सारे करेले फिल कर लेते हैं, देखिए हमने सारे करेले फिल कर लिए हैं, इसमें भी हैं थोड़े से। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक चम्मच। तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़े से दाने जीरे के डालेंगे चुटकी भर, और ये करेले इसके अंदर डाल देंगे और ये हल्का सा भून लेंगे। मिक्स करेंगे, ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारे करेले बनकर तैयार हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे बनते हैं करेले ऐसे, प्लीज़ आप भी ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।